मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी बॉयल पोटैटो। और सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। और गाइस आप देख सकते हैं आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोटैटोज़ हम बनाएंगे जैसे जीरा आलू बनाते हैं, बट हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। सो आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम आलू काट देते हैं। आलू हमने काटना है छोटे छोटे पीस में। और आप देख सकते हैं ये जो आलू है ये बॉयल आलू है, हमने पहले से ही इनको बॉयल करके रखा था। और ये हमने आलू काट दिए, आप साइज़ देख सकते हैं, जितना आप छोटा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, बट ज़्यादा भी छोटा नहीं करना है आपको। यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन चिली और रेड चिली। अगर आपको रेड चिली पसंद नहीं है तो आप रेड चिली यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले चॉप कर लेते हैं गार्लिक को। और ये है हमारे पास स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को हम सबसे पहले ब्लांच कर लेंगे। यहाँ पे पानी उबल गया है, स्प्रिंग अनियन को हमने डाल दिया है पानी में। और पैन रख देते हैं चूल्हे में। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हमने यहाँ पे डाला है थोड़े से खड़े मसाले और जीरा। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है गार्लिक जो हमने चॉप किया था, इसको भुनेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमने ऐड किया है स्प्रिंग अनियन जो हमने ब्लांच किया था, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा चॉप किया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं बट हमने इसको चॉप किया है। इसको अच्छे से भुन लेंगे और अब डाल देते हैं ऊपर से चिली। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मसाला। मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, हल्का सा हम यहाँ पे गरम मसाला यूज कर रहे हैं, सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार और इसको कर लेंगे मिक्स। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल पोटैटोज़। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी करना है तो आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको क्रिस्पी करेंगे तो क्रिस्पी बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कलर, जो पोटैटोज़ का कलर है सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको डालते हैं प्लेट में। और ये हमने इसको प्लेट में डाल दिया है और टेस्ट करके बताते हैं आपकी टेस्ट कैसा है इसका। सो गाइस जैसा कि आपने देखा रेसिपी हमारी, ये रेसिपी ऑलमोस्ट जीरा आलू की तरह है, बट जो इसका टेस्ट था, टेस्ट इसका डिफरेंट था। इसमें ज़्यादा जो फ्लेवर था वो स्प्रिंग अनियन का था, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा स्प्रिंग अनियन ऐड किया था। और टेस्ट की बात है तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। और ये काफ़ी इजी रेसिपी है, अगर आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आप 15 से 20 मिनट में इसको आराम से बना लेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।